जबलपुर शहर में सिविल सेंटर में प्रतिदिन पार्किंग रोड पर हो रही है, वहीं यातायात पुलिस प्रशासन अलाउंस कर चुका है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि यातायात पुलिस प्रशासन के द्वारा नो पार्किंग का बोर्ड भी वहां नहीं लगाया गया है, जहां आम नागरिकों को आने जाने और वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात पुलिस लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते यातायात अवरुद्ध होने से एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना रहता है। आए दिन ये देखने को मिलता है कि गाड़ियों का यहाँ पे अवैध जो कब्जा हमें को देखने को मिल रहा है शहर में, जिसकी वजह से आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में कि अवैध रूप से जो गाड़ियाँ खड़ी हैं और यातायात प्रशासन यहाँ सिर्फ अनाउंसमेंट करके चले जाते हैं, चालान प्रक्रिया का कोई देखने को ही नहीं मिलता, एक आध नमूना भी। तो इससे हम लोग को बहुत बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मल्टी स्टोरेज स्टैंड बनाया हुआ है, पार्किंग एरिया सामने भी जेडीए ने अपनी पार्किंग का दिया हुआ है, मॉल में भी पार्किंग है, पर जनता प्रशासन का साथ देना ही नहीं चाहती है। उनको 20 रुपये 50 रुपये पार्किंग के इतने महंगे लगते हैं जैसे उनके साथ लूट हो रही है। मैं आम नागरिकों का पक्ष लूँगा, प्रशासन का बिल्कुल साथ दूँगा कि उन्होंने व्यवस्थाएँ जितनी कर सकते हैं उन्होंने की हैं अपने लेवल पर। उनकी पार्किंग खाली है, यहाँ लोग आते हैं चाहते हैं दुकान के सामने से सामान लें, वहीं कार खड़ी करें। सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये जनता के कारण बिगड़ी।